ओ हाय, आ गए आप लोग। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, पता है ना क्या होता है। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कोटा केट 101, फाइनेंस का प्लस वन। तो जितने रिंकी के मूड स्विंग्स है ना, उससे ज्यादा मार्केट में इंडेक्स प्रेजेंट है। जैसे कि सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसमें हम टॉप 30 कंपनीज के प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। सिमिलरली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब अलग अलग तरह के इंडेक्स में आते हैं। जब आप इनमें से किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका इंडेक्स फंड हो जाता है ना। कितना सिंपल। इसलिए मैं रिंकी को कहता हूं कि 2 मिनट निकाल के ध्यान से सुन ले तो समझ जाएगी और उसका ट्रैवल मोड खत्म हो तब ना। बट हाँ, जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने कर लो, लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट तो फाइनेंस ही है यार। बट डू यू नो, इंडेक्स फंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। इट्स अ पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इंडेक्स को बस ब्लाइंडली फॉलो करते हो, एज इट इज नॉट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज बट अ डिफाइंड सेट ऑफ कंपनीज इन दैट इंडेक्स। वेरस बाकी म्यूचुअल फंड्स को एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें फंड मैनेजर को या आपको कंटिन्यूस मार्केट रिसर्च करना पड़ता है ऑन विच म्यूचुअल फंड टू बाय एंड विच वन टू नॉट। इसीलिए अगर आप भी रिंकी की तरह सच्चे आलसी हो तो इंडेक्स फंड इज द वन फॉर यू टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद। मगर हाँ, एक्टिव हो या पैसिव, इन्वेस्टमेंट जरूर करो यार, मस्त चीज है। पर हाँ, फैमिली या सीए से डिस्कस करके ही करना। ये मत कहना कि रिंकी के भैया ने कहा था इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया।